नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में हिंदी में एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ये जो कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जो काम हम हमारे हाथों से करते हैं, उसने अपने पैरों से करना शुरू किया और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब होता है कि हमें कोई काम करना हो और हमें बहुत इच्छा है वो काम करने की, तो वो कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए बन ही जाता है। Where there is a will, there is a way। तो आइए ये कहानी पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। ये मलमली धोती यानी मलमल का एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसका जो बादामी रंग था वो खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से, कसूती यानी कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी होती है, फेमस डिजाइन होती है, तो उसके टाकों से जो बेल बनाई हुई थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, यानी जो पल्लू था उसके ऊपर भरवा टाका, यानी कपड़ा रहता है उसके ऊपर पूरे धागे से जो टाका बनाया जाता है उसको भरवा टाका बोलेंगे, तो वो अपना कमाल दिखा रहे थे, यानी कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में, यानी कि गोल्डन और सिल्वर बेल बूटों से जो मलमल का कपड़ा था उसमें जान आ गई थी। इतना सुंदर वो कपड़ा लग रहा था। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, यानी इसको किसने बनाया था? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये लड़की है ये जो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है और उसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, और ये जो लड़की है वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी और उनकी अद्भुत हिम्मत की मिसाल थी उनके कढ़ाई के नमूने। कढ़ाई यानी की एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इला सचानी है जिसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं और वो एम्ब्रॉयडरी का काम अपने पैर से कर रही है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है, यानी इला कितने साल की है बच्चों? 26 साल की इला कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ये इला सचानी है, उनका बचपन उनके नाना के यहाँ पे अमरेली जिले में राजकोट गांव में उनका बचपन बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। यानी सांझ होते ही जो सब बच्चे थे वो क्या करते थे? खेलने के लिए घर के बाहर आ जाते थे। कुछ बच्चे क्या करते थे? कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते और कुछ बच्चे क्या करते थे? कनेर के जो पत्ते होते हैं उससे पिटपिटी बजाते, यानी सीटी बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते तो कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों को ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते, यानी कुछ बच्चे इकट्ठा होके गिट्टे खेलते तो कुछ क्या करते? इधर उधर से जो टूटे फूटे घड़े रहते हैं उनके ठिकरे लेके आते थे और उसको इकट्ठा करके उससे पिट्ठू खेलते हैं। जैसे आपने 7 स्टोन्स का गेम खेला होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पिट्ठू बोलेंगे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। यानी जब बच्चे सारे खेल खेलते थक जाते तो वो क्या करते? झूले पे बैठ जाते और झूले पर बैठकर ऊंची ऊंची पेंग लेते। पेंगे लेना यानी कि स्विंग करना, जोर जोर से झूला झूलना। जब आप झूले पे बैठते हो तो क्या करते हो? जोर जोर से झूला झूलते हो ना। तो ये सारे बच्चे भी क्या करते हैं? जब उनका खेल से मन भर जाता तो वो क्या करते? झूले पे बैठ जाते और ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे बच्चों? कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयोरे। कौन सा गाना गाते थे? कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयोरे। ऐसे करके सब मिलके गाना गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। इला को भी गाने का तो बहुत शौक था, वो क्या करती? सब बच्चों के साथ गाना तो गा लेती लेकिन उनके साथ वो पेंगे नहीं ले पाती। क्यों नहीं पेंगे ले पाती? क्योंकि उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे और पेंगे लेने के लिए, झूला झूलने के लिए तो रस्सी पकड़नी होती है, लेकिन इला के तो दोनों हाथ काम ही नहीं करते थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती
मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो भी सब बच्चों की तरह रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, लेकिन इला के दोनों हाथ काम नहीं करते, तो इसीलिए वो हाथ बढ़ाती लेकिन हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। यानी इला बहुत ही नाराज हो जाती। सब बच्चों को देखती कि सब बच्चे झूले पे बैठकर बड़ी बड़ी पेंगे लेते थे, लेकिन इला ये नहीं कर पाती थी, तो वो निराश हो जाती और एक कोने में जाके बैठकर मन ही मन सोचती कि मैं इन बच्चों की तरह क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, यानी सब बच्चे चाहते कि इला भी कोई ना कोई तरीके से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, यानी इला उन बच्चों के साथ कभी कभी पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाती। और विष अमृत का खेल कैसा होता है बच्चों, जैसे एक प्लेयर भागता है तो दूसरा प्लेयर उसे स्टेच्यू बना देता है और फिर तीसरा प्लेयर आके उसे वापस से स्टेच्यू में से बाहर निकाल देता है, तो उसको हम बोलेंगे विष अमृत का खेल। तो कभी कभी जो इला थी वो भी सब बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल खेलने लग जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। यानी वो भी अपने दोस्तों के साथ बहुत भागती, पकड़म पकड़ाई खेलती, और थप्पा करने की जब बारी आती तब वो रुक जाती, निराश हो जाती, क्योंकि थप्पा करने के लिए तो उसको हाथ उठाना पड़ेगा और इला के तो हाथ ही काम नहीं करते थे, तो वो बेचारी निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वो बहुत ट्राई करती कि वो बच्चों के साथ अच्छे से सब खेल खेले, लेकिन उसके हाथों ने तो उसके साथ ना देने की ठान रखी हो, यानी उसके हाथ बिल्कुल भी उठते नहीं थे। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना, यानी इला भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी जो हाथों की कमजोरी है, वो हाथ नहीं उठा पा रही थी, तो उसको अपनी एक चुनौती माना, एक जीत माना, एक चैलेंज माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, यानी उसने वो सारे काम अपने पैरों से करना शुरू किया जो हम सब हमारे हाथों से करते हैं, जैसे कि दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने क्या किया, जो काम हम हमारे हाथों से करते हैं वो सारे काम उसने अपने पैरों से करना शुरू किया। जैसे हम हमारे हाथों से क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि हम हमारे बाल बनाते हैं, दूसरों के बाल बनाते हैं, दाल भात खाते हैं, फर्श बुहारते हैं, वो सारे काम हम हमारे हाथों से कर रहे हैं। और इला के हाथ काम नहीं करते थे तो उसने हार नहीं मानी और उसने वो सारे काम जो हम हमारे हाथों से करते हैं उसने अपने पैरों से करना शुरू किया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला लेना यानी कि एडमिशन लेना। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, यानी इला को एडमिशन के लिए भी बहुत परेशानियां आई। कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर सबको चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। यानी किसी किसी को तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, स्कूल वाले सोते थे उस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो, इस बात की भी टेंशन थी। और कुछ लोगों को लगता था कि ये लड़की तो अपने पैरों से काम करती है तो उसकी स्पीड भी कम होगी बाकी बच्चों के मुकाबले, तो इस बात की थोड़ी उसे परेशानी भी आई। लेकिन कोई कोई काम तो इला इतनी फुर्ती के साथ कर लेती कि देखने वाले भी दंग रह जाते कि जो काम हम हमारे हाथों से करते हैं उससे भी अच्छे से वो अपने पैरों से कर लेती। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, यानी कोई कोई काम में तो उसको परेशानी आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी वो लड़की बहुत ही बहादुर थी और परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से वो नहीं थी, यानी मुसीबत से हारने वालों में से वो नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। बच्चों, इला सच्चानी ने कहाँ तक पढ़ाई की, 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन क्या हुआ, वो 10वीं की एग्जाम पास नहीं कर पाई, वो फेल हो गई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, बाकी बच्चों के मुकाबले उसे एग्जाम में ज्यादा टाइम मिल सकता है, इस बात की इला को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ऐसा भी कोई व्यक्ति मिल सकता था जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम करे। जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है हाथ में या पैर में या देखने में, हमारे देश की गवर्नमेंट है, उन्होंने
स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे व्यक्ति मिलता है जिसको हम स्क्राइब बोलेंगे, जिसके हाथ काम नहीं करते उनके लिए लिखने का काम करते हैं और उनको ज्यादा भी टाइम मिलता है। लेकिन इला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए इला 10वीं कक्षा में फेल हो जाती है। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। स्क्राइब मिलता है, उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति इला को मिल सकता था या फिर इला को ज्यादा समय मिल सकता था। ये बात की अगर समय रहते इला को जानकारी मिल जाती तो इला 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। लेकिन इस बात का उसे दुख है क्योंकि वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। इला बहुत ही बहादुर लड़की थी, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। यानी कि इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन इससे क्या हो गया, एक परीक्षा फेल होने के बाद लाइफ रुक तो नहीं जाती, लाइफ बढ़ती रहती है। तो ये उसके लिए दुख की बात तो थी कि वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे उसके लिए सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करते थे, यानी जो इला की माँ और दादी थे वो कसीदाकारी यानी कि एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाँ उकेरते हुए देखती। वो क्या करती, अपनी दादी और अपनी मम्मी को ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, यानी उसने भी सोच लिया कि वो भी अपनी मम्मी और अपनी दादी की तरह कसीदाकारी का काम करेगी, एम्ब्रॉयडरी का काम सीखेगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया, यानी उसके तो हाथ ही काम नहीं करते थे तो इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे भी अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। बच्चों, ये एम्ब्रॉयडरी का काम अपने हाथ से करने के बजाय वो अपने पैर से कर रही थी, तो वो काम उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाला था। पर कहते हैं ना, जहाँ जा वहाँ रहा, क्योंकि उसने ठान रखी थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी माँ और अपनी दादी की तरह एम्ब्रॉयडरी का काम करेगी। इसीलिए उसने एम्ब्रॉयडरी का काम अपने पैर के अंगूठों से करना स्टार्ट किया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया, यानी उसका इतना विल पावर था, उसको अपने आप पर इतना भरोसा था कि उसने कुदरत के नियम को ही बदल दिया। क्योंकि कुदरत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कुछ काम अपने हाथों से करते हैं और कुछ काम हम पैरों से करते हैं, तो उसने तो कुदरत के नियम को ही झुटला दिया और जो काम हम हमारे हाथों से करते हैं उसने अपने पैरों से करना शुरू कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। यानी इला जब 15-16 साल की हुई तो उसने काठियावाड़ी काम में माहिर हो गई थी। यानी काठियावाड़ी एक गुजरात की फेमस डिज़ाइन है, तो उसमें वो बहुत ही पक्की हो गई थी, माहिर हो गई थी, यानी उसको बहुत ही अच्छा वो काम आ गया था। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन कौन से लगे, ये सब वह समझ गई थी। यानी कि उसको पूरा एक्सपीरियंस हो गया था कि कौन से वस्त्र में कौन से नमूने अच्छे लगेंगे, कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कौन सा टाका अच्छा लगेगा, उसको सारी नॉलेज 15-16 साल की होते होते आ गया था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। यानी एक समय ऐसा आया जब इला के द्वारा जो वस्त्र बनाए थे, परिधान यानी कि वस्त्र बनाए थे, उसने उसके लिए एक प्रदर्शनी लगाई, यानी एग्जीबिशन रखा। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी कि इला के जो परिधान थे, उसने जो प्रदर्शनी लगाई थी उसमें काठियावाड़ तो था ही, काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी कि लखनवी डिज़ाइन और बंगाल की भी डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से उसने बनाई थी। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। यानी इला ने सिर्फ काठियावाड़ी टाके का इस्तेमाल नहीं किया था, और भी कई तरह के टाके से उसने ये परिधानों को सजाया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, चिकनकारी डिजाइन से उसने पत्तियों को अच्छे से बनाया था। डंडियों को काथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामित्य आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। यानी उसने जो पशु पक्षियों की आकृतियां थी उसको कसूती टाकों से अच्छे से सजा के रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी कि जो पुरानी डिजाइन थे उसमें जो आधुनिक टाके लिए थे वो सभी को, वो डिजाइन सभी को बहुत ही पसंद आई।
इला के पांव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरे रूपहली मुटिया उकेरते थकती नहीं है। इला के पांव अभी रुके नहीं, वो उसकी आंखों में नई चमक थी और होठों पे मुस्कान लेके वो अपना काम करती रही और उसको अपने आप पर जो भरोसा था उसकी वजह से उसने अपना एक अलग नाम किया। वो हिम्मत नहीं हारी, उसके हाथ काम नहीं करते थे फिर भी उसने वो सारे काम सीखे। आम लोग जैसे हम लोग काम कर सकते हैं वो सारे काम इला ने अपने पैरों से किए और अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। तो बच्चों ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी इला की तरह हिम्मत रखना चाहिए। इला के दोनों हाथ काम नहीं करते थे फिर भी उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसने सारे काम अपने पैरों से किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो हमें भी कोई भी मुसीबत आए, जो भी हमारा सपना हो उसे हमें मेहनत से और धैर्य रख के हमें पूरा करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये इला सचानी की कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।